6 अप्रैल 2018 दिन शुक्रवार किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज के जो दिन की शुरुआत होगी वह हल्की फुल्की मानसिक तनाव डिप्रेशन से होगी। लगभग 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, या आप यूँ कहें कि दोपहर के बाद आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और ज़बरदस्त भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके माध्यम से आपका मन और ध्यान धर्म कर्म की तरफ रहेगा, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने का रहेगा, ऐसा इसमें योग दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम से ऊपर ही कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों के हिसाब से जो आज का दिन रहेगा वह खर्चीला रह सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। सेहत के मामले में जो यह समय रहेगा वह आपका काफ़ी अच्छा आज का रह सकता है, कल से अच्छा रहेगा। बचत आपकी खर्च में तब्दील हो रही है, आय आपकी उतनी हो रही है जितनी आपको आवश्यकता है, यानी कि आपका काम चल रहा है किसी ना किसी तरीके से। कैरियर के हिसाब से परिवर्तनशील योग है, कैरियर में उठापटक का योग बना हुआ है, हर पल अचानक से यह अज्ञात भय बना रहता है कि कब कैरियर को बदलना ना पड़ जाए, ऐसा इस समय योग दिखाई दे रहा है। भाग्य प्रतिशत 90%। वृष राशि के जातकों के लिए भी आज का जो दिन रहेगा वह काफ़ी हद तक, जहां दाम्पत्य जीवन की शुरुआत आपकी खट्टे मीठे अनुभवों से होगी, उसके बाद आपका आज दोपहर के बाद किसी व्यसन में भी आप पड़ सकते हैं और वाद विवाद जो है वह आपका एक गंभीर रूप ले सकता है, इसीलिए आप वाद विवाद से बचें। फिजूल की मेहनत आपको ज़्यादा थका सकती है और कम्युनिकेशन आपकी अगर सही नहीं हुई आज तो आपको आपके रिलेशनशिप्स भी खराब कर सकती है। दोपहर के बाद आपका जो मन है वह काफ़ी विरक्ति से भरा हुआ रहेगा, आप सोचेंगे कि जीवन क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इन सभी रहस्यमय प्रश्नों को लेकर उलझे हुए रह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक सही कहा जा सकता है, प्रेम संबंधों के हिसाब से इतना लाभदायक नहीं दिखाई दे रहा। सेहत के मामले में सेहत थोड़ी सी लापरवाही ना करें, अदरवाइज सेहत बिगड़ सकती है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। बचत आपकी बढ़ेगी आपकी आय से और इनकम आपकी संघर्ष के बाद आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ कैरियर के हिसाब से जो जातक पैतृक कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए यह समय अच्छा है, या जो जातक अकल्ट साइंस से जुड़े हैं, गुप्त जासूसी कार्यों से जुड़े हैं, अपने पिता के साथ यानी कि कोई पुश्तैनी कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, शेष लोगों के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य प्रतिशत 55%। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लगभग जो शुरुआत होगी वह यही होगी कि कोई कर्ज का योग बनेगा, उसके बाद आप उस कर्ज से ना लेने के चक्कर में रहकर आप दोपहर के बाद अपनी रणनीति को, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर देंगे और धन का कोई अवसर आपको मिल सकता है अपने पार्टनर से, या फिर व्यवसाय में आप कोई पार्टनर्स मिला दें जिससे आपकी धन की समस्या समाप्त हो जाए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम है, प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं एक योग और भी बना हुआ है जिसके माध्यम से आपको, अगर आप तलाश कर रहे हैं अपने पार्टनर्स की, तो आपको वह पार्टनर्स मिल सकते हैं। सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता बनती है, धन आपका बढ़ेगा दोपहर के बाद, आय आपकी बढ़ेगी
और वो भी पार्टनर्स के सहयोग से, जीवन साथी के सहयोग से। कैरियर के लिए आपके लिए उन्नतिदायक दिन कहा जा सकता है। कोई गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए कार्य हैं तो वह आपके शायद पूरे हो सकते हैं। भाग्य प्रतिशत 85%। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए आज खास तौर से मन सारा आपका जो सुबह की शुरुआत होगी वह यही होगी कि संतान की कोई चिंता, संतान के लिए आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद आपको थोड़ी सी समस्याओं का और परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आप रोग ऋण शत्रुओं को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीजों से मुक्ति के योग ऑलरेडी बने हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों के हिसाब से मध्यम प्रभाव दिखाने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर भी थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। सेहत को लेकर दिन मध्यम है। धन बचत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आय बढ़ेगी, कर्मों से जितना कार्य करेंगे उतना ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। कैरियर के हिसाब से संघर्ष करना पड़े और संघर्ष में कामयाबी मिले। मेरी बात का ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा आप। मैंने कहा कि कैरियर के हिसाब से संघर्ष करना पड़े और उसके बाद सफलता मिले, यानी कि कंडीशन लगी हुई है, संघर्ष करेंगे तो सफलता मिल सकती है, वरना एज इट इज चलता रहेगा जैसे चल रहा है। भाग्य प्रतिशत 70-75%। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी उत्तम कहा जा सकता है। खास तौर से आज भूमि मकान पर खर्चा हो सकता है। सुबह कोई प्लानिंग कर सकते हैं मकान को लेकर, वाहन को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, और उसके बाद दोपहर के बाद आपका जो प्रोग्राम होगा वह चेंज होगा। उसके माध्यम से अब क्या प्रोग्राम चेंज होगा, आपका खर्च बढ़ सकता है, आपकी इनकम जो है वह तब्दील हो सकती है पुराने पेंडिंग कार्यों को निपटाने में, और अपने संतान के लिए आप खर्च कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक सा ही है। प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन मध्यम है। सेहत के मामले में सेहत फिजिकली थोड़ी सी आपको डामाडोल लिख सकती है, बाकी माइंड आपका फ्रेश रहेगा, थोड़ी सी विरक्ति की भावना रहेगी, इस जगत से मन हटने का योग बनेगा। धन और आय को लेकर कोई अटके हुए पैसे या फिर कोई पैतृक संपत्ति से या फिर कोई ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया उससे आपकी धन में, बचत में और आय में वृद्धि हो सकती है। कैरियर के हिसाब से दिन ठीक है। भाग्य के दम पर गुरुजनों के आशीर्वाद से, पिता के सहयोग से आपका कैरियर बढ़ेगा। भाग्य प्रतिशत 70%। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए जो दिन की शुरुआत होगी वह ट्रैवलिंग को लेकर होगी। दोपहर 11-12 बजे के बाद अपने घर को वापस लौटेंगे और घर के सुखों का आनंद उठाने के लिए ललायित रहेंगे, लेकिन घर पर पहुंचकर भी उन्हें माता संबंधी तनाव हो सकता है। घर के अंदर अशांति का माहौल बना हुआ दिखाई दे सकता है जिससे उनकी खुद की मानसिक शांति भंग हो सकती है। चलिए बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए आज का जो दिन रहेगा वह काफी ठीक मध्यम ही कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मित्र बहुत हैं लेकिन प्रेम संबंध अभी आपके अच्छे डेवलप होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सेहत की अगर मैं बात करूं तो सेहत को लेकर भी ठीक ठाक सा ही दिन कहा जा सकता है, अच्छा ही दिन कहा जा सकता है। साथ ही साथ बचत आपकी बढ़ेगी, बचत में कुटुंब में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, वाणी आपकी प्रखर होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बचत आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पैतृक संपत्ति से कोई पैतृक कोई विवाद था तो वह सुलझ सकता है, कोई फंसा हुआ धन था तो वह मिल सकता है,
कोई अटका हुआ पैसा, कोई लाइफ इंश्योरेंस में रुके हुए पैसे, कोई वसीयत से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, आय आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैरियर के हिसाब से पार्टनर्स को लेकर योग बनता है, आपका कैरियर बढ़े। जॉब करने वाले जातक भी किसी की मदद ले सकते हैं, खास तौर से अपने जीवन साथी की। भाग्य प्रतिशत मात्र 60%। तुला राशि के जातकों के लिए आज का जो दिन रहेगा वह अपने परिवार को लेकर खुश हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर प्रसन्न हो सकते हैं, धन बचत में वृद्धि का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोपहर के बाद कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, पड़ोसियों से संबंध भी सुधारने का मौका मिलेगा, अपने मित्र आपकी मदद कर सकते हैं, छोटे भाई बहन कुछ हेल्प कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दोहरी मानसिकता लगातार बनी हुई है। प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन ठीक ठाक कहा जा सकता है। धन बचत को लेकर भी पराक्रम अधिक करना पड़े, आय को लेकर संघर्ष करना पड़े, कैरियर को लेकर भी थोड़ी चिंता बनती है। बदलाव करना चाह रहे हैं, जो कार्य अभी करते हैं उसमें अनसेटिस्फेक्शन का योग बना हुआ है। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य प्रतिशत मात्र 50%। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। दोपहर के बाद सारा ध्यान लगाएंगे रिश्ते नाते संबंधों की तरफ, रिलेशनशिप्स को लेकर उलझे हुए रह सकते हैं, विरक्ति का भी माहौल बनेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा मानसिक अशांति भी हो सकती है। घर को लेकर, मकान को लेकर चिंता का योग बनता है, कुटुंब को लेकर। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए आज का जो दिन रहेगा वह ठीक कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों के हिसाब से खर्च का माहौल, बचत के मामले में खर्च का माहौल, सेहत के मामले में सेहत ठीक ठाक, गुस्से वाणी में ना झलके, ऐसा ध्यान रखें। और बात करते हैं आय को लेकर, तो आय आपकी जो है वह कहीं ना कहीं अचानक से हो, कहीं ना कहीं आपकी विद्या से, बुद्धि से, पहले से कोई सेविंग है तो वह आपकी आय बने, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी आपको चाहिए। दर्शकों, इस समय आपकी आय का मालिक अस्त है और साथ ही साथ नीच अवस्था में बैठे हैं, तो क्या करना है, थोड़ा सा समय का इंतजार करना है, स्थिति बदल जाएगी। कैरियर के हिसाब से भी दिन जो है वह अच्छा दिखाई दे रहा है, संतान के कैरियर में उन्नति हो सकती है, या फिर संतान के आने के बाद आपके कैरियर में उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य प्रतिशत मात्र 60%। धनुराशि के जातकों के लिए जो यह समय रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी, अनावश्यक खर्चों से, अनावश्यक कार्यों से मन व्यथित रहेगा। उसके बाद दोपहर के बाद आपको खास तौर से कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन उदासी का माहौल बना रहेगा। खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा खाने के चक्कर में विषयोग भी बना हुआ है, यानी कि फूड पॉइजनिंग से समस्या भी आपकी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों के हिसाब से विद्यार्थियों को आप मेहनत ज़्यादा करने का योग बनेगा, प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन बेहतर है, बहुत अच्छा कहा जा सकता है। प्रेम संबंध अगर आपके अब डेवलप होते हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। सेहत के हिसाब से दिन अच्छा है, बचत में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा, बचत कैसे हो बस यही सोचेंगे, बचत करनी कैसे है, करने का प्रयास नहीं होगा। हिम्मत पराक्रम अभी बढ़ा हुआ है, छोटे भाई बहन पड़ोसी सभी लोग आपकी मदद करने को तैयार खड़े हैं। इनकम को लेकर भी आपकी इम्प्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। कैरियर के हिसाब से भी आप प्रयास ज्यादा कर रहे हैं और कैरियर बढ़ेगा भी। भाग्य प्रतिशत मात्र 75%।
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का योग रहेगा। दोपहर के बाद खर्च बढ़ सकता है। दोपहर के बाद खर्च बढ़ेगा भी कैसे, अभी बताता हूँ। संतान को ले जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है। माता को लेकर मकान, भूमि, वाहन को लेकर भी खर्च बढ़ सकता है। आप बाहर भी जा सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए विदेश में जाने का भी एक योग बना हुआ है। चलिए, विद्यार्थियों के हिसाब से खर्चीला, प्रेम संबंधों के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा कहा जा सकता है। सेहत आपकी अभी मध्यम। अनैतिक अधार्मिक कार्यों से बचने का प्रयास करें मकर राशि के जातक। खास तौर से शक शुमार को अपने जीवन से निकालें। पार्टनर्स एक योग बना हुआ है मकर राशि के जातकों का इस समय। इंटरकास्ट मैरिज होने का योग बनता है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान लगाएं। चलिए बात करते हैं इनकम की। तो इनकम भी आपकी खर्च में तब्दील होती रही है, बचत आपकी खर्च में। कहीं ना कहीं दूर गम्य स्थानों से इसका संबंध बन रहा है, आपका भी, आपकी इनकम का भी, और आपके बचत का भी, आपके कुटुंब परिवार का भी, और आज तो आपके दाम्पत्य जीवन का भी कहीं ना कहीं संपर्क बन रहा है। चलिए भाग्य प्रतिशत से पहले बताएंगे कैरियर। कैरियर में उछाल होगा, कैरियर में परिवर्तन और ग्रोथ दोनों साथ साथ होगी। भाग्य प्रतिशत 70%। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी। सारे कार्य सिद्ध होंगे। जो कार्य अटक गए थे आपके कल, वह आज आपके हो जाएंगे पूरे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इंक्रीमेंट इंसेंटिव का लाभ हो सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लाभ में वृद्धि होगी। सभी सामान्य जनों की मनोकामनाओं का पूर्ति का योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों के हिसाब से आज का दिन ठीक ही कहा जा सकता है। सेहत के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है। कैरियर के हिसाब से दिन अच्छा कहा जा सकता है। अब किए हुए कार्य फल दे रहे हैं। बात करेंगे बचत और आय की, तो वह भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाग्य प्रतिशत 85-90%। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भी अच्छा कहा जा सकता है। सुबह सुबह ही किसी मंदिर गुरुद्वारे में या फिर अपने धर्म स्थान पर विजिट कर सकते हैं, अपने गुरुओं के धाम पर जा सकते हैं। यात्रा का योग बनेगा। धर्म कर्म में विशेष रुचि रहेगी। मन आज सही कार्य करने का सोचेगा और सही कार्य करने के लिए ही आपको प्रेरित करेगा। दोपहर के बाद सभी अटके हुए कार्य बनेंगे। उसके बाद आपके शनै ग्रोथ होगी। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से संघर्ष का योग अभी बना हुआ है, लेकिन ये संघर्ष आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। पॉजिटिव वे में मेहनत करें, संघर्ष करें, लाभ मिलेगा। बचत आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनकम आपकी इतनी, इनकम को लेकर अभी थोड़ी सी चिंता परेशानी बनी हुई है। कॉमन ट्रेजरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों के हिसाब से आज का दिन भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको आज आपका प्रेमी मिल सकता है। संबंधों की अगर मैं बात करूं तो संबंध भी आपके ठीक नजर आ रहे हैं। इस समय एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मीन राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा, वाणी बहुत अच्छी हो रही है। गाना गाने का बड़ा मन करता है। मधुर ध्वनि मुंह से निकल रही है। चलिए, और शुभ रत्न प्राप्त होने का भी योग बना है। अच्छे कपड़े भी खरीदने का योग लगातार चल रहा है। भाग्य प्रतिशत 70-75%।